सब्सक्राइब कीजिए मॉइल प्लेसमेंट सर्विस चैनल को फ्री जॉब्स अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मॉइल प्लेसमेंट सर्विस यूट्यूब चैनल में, जहां आज मैं आपके लिए लेके आया हूं पूरी एनर्जी के साथ नई वैकेंसीज, वो भी मल्टीपल सिटीज के अंदर। जी हां दोस्तों, यहां पे वैकेंसी भी 1000+ रहने वाली है और लोकेशन भी आपके पास चार चार रहने वाली है। तो मतलब इट्स अ बल्क हायरिंग, वो भी ब्रांड नेम के साथ, वो भी फ्लिपकार्ट के साथ। फ्लिपकार्ट की हमारे पास वैकेंसी रहने वाली है, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हर एक फ्रेंड के साथ जिसको जॉब की नीड है। क्योंकि यहां पर जो भी वैकेंसी आपको बताई जाती है सारी की सारी जेन्युइन होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। पहले हमारा कंपनी के साथ बॉन्ड साइंड होता है, उसके बाद हम आपको वो वैकेंसी शेयर करते हैं, उसके बाद हम वहां पे कैंडिडेट लाइनअप करते हैं, इंटरव्यूज वगैरह करवाते हैं। तो दोस्तों आज की वैकेंसी बहुत ही यूनिक रहने वाली है, क्योंकि इसमें सैलरी भी कंपनी बहुत अच्छी प्रोवाइड कर रही है। तो सारी चीजें यहां पे हैं, ब्रांड नेम है कंपनी का, प्रोडक्ट का ब्रांड नेम है, आपको काम क्या करना होगा उसमें भी हमारे पास पूरी डिटेल है, मैं आपको पूरी वीडियो में बताऊंगा। स्टार्ट करता हूं आज की वैकेंसी। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ये वैकेंसी में हमारे पास नंबर ऑफ पोजीशन कितनी है दोस्तों, 1000+, मतलब 1000 नंबर्स हमारे पास अभी यहां पे हैं जो हमें कैंडिडेट रिक्वायर्ड हैं। हम बात करते हैं कि यहां पे लोकेशन हमारे पास क्या क्या रहेगी। दोस्तों यहां पे लोकेशन की मैं बात करूं, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा और बेंगलुरु, ये चार लोकेशन हमारे पास है। यहां दोस्तों नोएडा, बेंगलुरु, गुड़गांव और दिल्ली, चारों लोकेशन में हमें बहुत ही अच्छे नंबर्स में रिक्वायर्ड है कैंडिडेट्स। बात करते हैं इनकी कि यहां पे वर्क क्या रहेगा और अदर थिंग्स मतलब क्या है, डिटेल में आपको बताता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे काम क्या रहने वाला है। दोस्तों यहां पे जो वर्क रहेगा, आपको जो फ्लिपकार्ट पे कोई प्रोडक्ट सेल होता है, वो प्रोडक्ट कोई क्लाइंट सेल करते हैं या जो कंपनी सेल करती है या जो वेंडर सेल करते हैं, कुछ भी आप उनको बोल सकते हो, जो बंदा, जो भी कंपनी, जो भी फर्म फ्लिपकार्ट के अंदर अपना प्रोडक्ट सेल करनी है, आपने उनसे जाकर डील करनी है, आपने उनसे मिलना है, आपने उनसे बात करनी है, उनको प्रोडक्ट के बारे में समझाना है, उनको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, आपने वो प्रॉब्लम, उनके वो डाउट्स क्लियर करने हैं। अगर वो किसी बात की कोई प्रॉब्लम उनको लग रही है या उनसे वर्क नहीं हो पा रहा है, तो आपने उनको पिच करना है, उनको सेल करना है, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, उनको उनका रेवेन्यू उठाना है, उनसे डील करनी है, ये सब काम आपको करना पड़ेगा। लेकिन मेनली इसमें क्या है कि उन नए क्लाइंट्स जो आपने बनाने हैं, वो भी उनको भी ऑन रोल करना पड़ेगा फ्लिपकार्ट के पैनल में। अब सपोज किसी का कोई छोटा बिजनेस है, वो फ्लिपकार्ट में अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैं फ्लिपकार्ट पे पोर्टल पे कैसे सेल करूंगा, कैसे मैं अपनी सेल बढ़ाऊंगा। तो आपने क्या करना है, उनसे जाके मिलना है, उन डिस्ट्रीब्यूटर से मिलना है, उनको अप्रोच करना है कि आप फ्लिपकार्ट के पैनल पे जाओ, वहां पर अपने प्रोडक्ट सेल करो, आपकी सेल डबल हो जाएगी, आपको ये बेनिफिट मिलेंगे, वो बेनिफिट मिलेंगे, ये सारी चीजें आपने उनसे डिस्कस करनी है, आपने उनको पिच करना है, आपने उनसे सेल करनी है, आपने उनसे लीड जनरेट करनी है, आपने उनको कन्वर्ट करना है, ये सब वहां पे आपका वर्क रहेगा। बहुत ही इजी प्रोसेस है, क्योंकि ब्रांड आपका नेम है, आपके साथ जो ब्रांड नेम है उसके इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं, और हर कोई चाहता है कि वो भी अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करे ताकि उनकी सेल बढ़े। तो यहां पे जो आपका रोल रहने वाला है वो है कि आपने बेसिकली क्या करना है कि फ्लिपकार्ट के लिए काम करना है, वेंडर उनके लिए बनाने हैं, न्यू वेंडर्स क्रिएट करने हैं, जो ऑलरेडी वेंडर्स एग्जिस्ट करते हैं उनको पिच करना है कि वो और सेल बढ़ाए, और उनको नॉलेज देनी है उस प्रोडक्ट की। तो दोस्तों बेसिकली यहां पे ये वर्क रहने वाला है। बात करें हम क्वालिफिकेशन की, तो यहां पे ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है, 12th पास या बिल्कुल भी अप्लाई ना करें, यहां पे ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है। साथ ही साथ 1 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है, 1 ईयर का आपके पास सेल्स का, किसी भी टाइप सेल्स का, किसी भी बिजनेस डेवलपमेंट का आपको एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। यहां पे क्या हो रहा कि अगर आप बीपीओ सेल्स करते हो, कॉर्पोरेट सेल्स करते हो, प्री सेल्स करते हो, लीड जनरेशन करते हो, या फिर फील्ड सेल्स करते हो, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हो, किसी भी टाइप की पोजीशन में अगर आपने सेल किया हुआ है कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस किसी भी इंडस्ट्री की, तो आप इस पोजीशन के लिए एलिजिबल हो, आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों यहां पे सैलरी की।
सेल्स है तो इंसेंटिव तो होगा ही, साथ ही साथ अगर हम बेसिक सैलरी की बात करें यहाँ पे 22,000 से लेकर 42,000 तक की सैलरी है, मतलब बहुत अच्छा सैलरी कंपनी प्रोवाइड कर रही है, वो भी केवल और केवल 1 ईयर एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो इट्स अ बल्क हायरिंग और यहाँ पे सैलरी भी कंपनी बहुत अच्छी प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पे बाइक और लाइसेंस होना मैंडेटरी है, मतलब अगर आपके पास बाइक और लाइसेंस नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें मैंडेटरी है कंपनी की तरफ से है कि बाइक और लाइसेंस या फिर स्कूटी आपके पास टू व्हीलर एटलीस्ट होनी चाहिए विद लाइसेंस, तो इट्स अ कंपल्सरी। साथ ही साथ यहाँ पे इंग्लिश जो है वो एक्सीलेंट गुड इंग्लिश है, मतलब गुड इंग्लिश आपकी होनी चाहिए तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एवरेज इंग्लिश हो या बिलो इंग्लिश है तो वो आप बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते, यहां पर गुड इंग्लिश वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास जो वैकेंसी थी इसमें आपका जो वर्क रहेगा वो फील्ड का रहेगा, मतलब फील्ड इन द सेंस कि आपको मिलने जाना पड़ेगा क्लाइंट से, उनसे डील करनी पड़ेगी उनकी लोकेशन पे। सैलरी यहाँ पे दोस्तों बहुत ही अच्छी कंपनी प्रोवाइड कर रही है, तो आपको क्या करना है उस टाइप के कैंडिडेट्स या फिर कोई एमबीए वाले कैंडिडेट्स हों जिनको बहुत अच्छा सैलरी पैकेज चाहिए, बायजूस वगैरह के बहुत सारे कैंडिडेट निकाले जाते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट बायजूस में प्रेशर के कारण जॉब छोड़ देते हैं, या ऐसे ही कई सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके जिनमें बहुत ज्यादा फायरिंग आजकल चल रही है, बहुत सारे कैंडिडेट्स को हटाया जा रहा है, उनको आप अप्रोच कर सकते हो, उनको ये वैकेंसी शेयर कर सकते हो ताकि वो कैंडिडेट हमसे जुड़े और इस पोजीशन पे अप्लाई करें। बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ पोजीशन है तो यहाँ पे बहुत जल्दी सिलेक्शन के चांसेस भी रहने वाले हैं और वो भी मल्टीपल लोकेशन के साथ। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वैकेंसी। आगे मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपने वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा, कंप्लीट वीडियो को देखिए। अगर आपकी प्रोफाइल हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी टीम का नंबर पे कॉल कर सकते हैं, उनसे बताइए कि मैं इस प्रोफाइल के लिए एलिजिबल हूं, मैं इस प्रोफाइल पे अप्लाई करना चाहता हूं। साथ ही साथ हम इस पे आपको एक बेनिफिट और दे सकते हैं कि यहां पर जो भी इंटरव्यूज होंगे सारे के सारे हम टेलीफोनिक करवाएंगे, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड हम टेलीफोनिक करवाएंगे, तो आपको लोकेशन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरव्यूज की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे हम आपका टेलीफोनिक में डन करवा देंगे, लेकिन आप उसके लिए एलिजिबल होने मैंडेटरी है। तो ये थी आज की वैकेंसी, इसको इतना शेयर करो दोस्तों अपने फ्रेंड सर्कल में, जो भी कैंडिडेट अभी जॉब जिन्होंने रिसेंटली छोड़ी है या जिनको 1 ईयर एक्सपीरियंस है ताकि वो हमें कॉल करें और इस पोजीशन के लिए हम उनको अप्लाई करें। दोस्तों मिलता हूं आपसे फिर से न्यू वीडियो के साथ, न्यू एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।